हाय गाइस, यार बहुत टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि घर पे बहुत पपीज हो गए हैं एंड उनकी पूरी फीडिंग सब कुछ बहुत मेहनत लगती है यार, बिल्कुल टाइम बच नहीं पा रहा था। हालांकि हम सॉरी, मैं टाइम निकालूंगा यार, कोशिश करूंगा कि और वीडियोस बना पाऊं। ये एक इमरजेंसी वीडियो है क्योंकि हुआ क्या, मेरी वाइफ गई थी दूध वगैरह लेने सुबह सुबह एज यूजुअल जैसे वो जाती हैं, एंड उन्होंने देखा कि एक पपी है जो बगल के घर में घुस रही है, एंड जैकी वैकी बहुत ज्यादा घुस रहे हैं उसके पीछे, तो बहुत चिल्ला रही है। तो वो उसको उन्होंने देखा एंड उन्होंने मुझे भी नीचे बुलाया कि देखो जरा एक पपी कहीं से आ गई है। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, आप लोग भी यही करते होंगे कि आपके घर पे अगर कहीं से कोई पपी आ जाता है तो आप आसपास इंटरगेट करते हो कि भाई ये पपी कहाँ का है, और पता चल जाता है फिर हम लोग पपी को छोड़ आते हैं उसकी मदर के पास, है ना। यूजुअली मैं तो यही करता हूँ, मेरे घर में तो यही करते हैं हम लोग, और आई होप आप लोग भी यही करते हो। यही सही तरीका भी है कि आप आसपास पता करो, कभी उसको लात मार के घर वर से मत निकालो, बस आसपास पता कर लो कि भाई ये कहाँ मदर ने बच्चे दिए हैं एंड वहाँ चले जाओ उसको छोड़ाओ। बहुत पास आसपास का ही बच्चा कहीं से आता है, दूर का तो आता नहीं। तो हम लोग यही करने वाले थे। तो जो एक बच्ची है जो कचरा साफ करती है, तो मैंने उससे पूछा क्योंकि बच्चों को यूजुअली ये सब चीजें पता रहता है कि कहाँ पपीज हुए हैं, कौन सी फीमेल ने दिए हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि उससे पूछेंगे, तो उसने अलग ही स्टोरी बताई। उसने बताया कि कोई इसको बाइक से इस बच्ची को छोड़ के गया है एंड तब से डॉग्स वॉग्स इसको दौड़ा रहे थे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब ये है वो बच्ची जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है, अच्छी बच्ची है, सब कुछ बढ़िया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ी देर पहले ही छोड़ गया वो, क्योंकि वो कचड़े वाली माई घर के बाहर ही थी, ठीक है। वो तो कहो मेरी वाइफ ने देख लिया, एंड आपको मैं दिखाता हूँ, ये आपको गौर से दिख रहा होगा तो यहाँ इसको डॉग्स ने काटा है। रुक जा बच्चा, रुक जा बेटा, बेटा देखो आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे शी इज ब्लीडिंग, यहाँ इसको डॉग्स ने काटा है, एंड इसके पीछे भी मैंने देखा था, यहाँ कहीं भी है, देखो यहाँ पे काट रखा है डॉग्स ने, दो जगह इसको डॉग्स ने काट रखा है। एंड ठंड इतनी ज्यादा है ना बाहर, इतनी ज्यादा ठंड है लखनऊ में, अभी सुबह सुबह 6 बज रहे हैं, इतनी ठंड है बाहर, ये कांप रही थी, ठीक है। यहाँ पे आके चलो कंफर्टेबल है, सब कुछ सही है, ये बच्ची बाहर काट, ये कांप रही थी एकदम, ठीक है। तो कहो मेरी यार, फॉर्चुनेटली मेरी वाइफ निकल गई बाहर, है ना, दूध दूध लेने आ गई, इसको देख लिया तो थोड़ा सा पैनिक हुई, तो मेरे को बताया, तो हम लोग इसको यहाँ ले आए कि भाई इसको अडॉप्ट करवा देते हैं, है ना, कि अगर कोई फ्री में अडॉप्ट करना चाहे तो भैया ये बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है बच्ची, आप देख लो। मेरे हिसाब से तो पता नहीं, शायद ही कोई ब्रीड रीड हो, ये बिल्कुल प्रॉपर इंडियन डॉग है। तो अगर किसी को इंडियन डॉग रेस्क्यू करने में इंटरेस्ट हो, क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको बोलते हैं कि भाई हमें डॉग खरीदना नहीं है, हमें कोई ऐसा डॉग चाहिए जो मदर से बिछड़ गया हो या कुछ हो, उसको हमें पालना है जिससे हम एक पपी की लाइफ सेव कर पाए। तो ये आपका चांस है गाइस, अगर आप में से किसी को ये फ्री में चाहिए तो आप इसको ले सकते हो। बहुत ही प्यारी बच्ची है, देखो कितना आराम से बैठी है।